नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी टेट सब्जेक्ट हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आकलन, इसका जवाब है ऑप्शन 3। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है आकलन। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकयुक्तियों के शिक्षण से संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब है संदर्भानुसार मुहावरे लोकयुक्तियों के प्रयोगों को समझाना और उनका प्रयोग करना। और क्वेश्चन नंबर 3, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हेतु आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है ऑप्शन 3, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। अब क्वेश्चन नंबर 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। तो इसका जवाब है आंखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, चामस्की के अनुसार डैश डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। तो इसका जवाब है भाषा अर्जन क्षमता। अब क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। और क्वेश्चन नंबर 7, भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य में संबंधित पाठ होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा। तो इसका जवाब है इससे भाषागत विधिता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। अब क्वेश्चन नंबर 10, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारण की पहचान करना। अब क्वेश्चन नंबर 11, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। तो इसका जवाब है प्रत्यक्ष विधि। अब क्वेश्चन नंबर 12, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण बहुभाषिकता और राष्ट्रीय संभाव का प्रसार करता है। अब क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। अब क्वेश्चन नंबर 15, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है, आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। तो इसका जवाब है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। अब क्वेश्चन नंबर 17, साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा साहित्यिक। अब क्वेश्चन नंबर 18, सुहेल एक साल पहले असम से पंजाब आया है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। तो इसका जवाब है सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 19, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। अब क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। तो इसका जवाब है अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं
यूपी टेट के एग्ज़ाम को सिर्फ गिने चुने दिन बचे हैं, तो इसमें आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। और हम अपने वीडियोस के ज़रिए आपको टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देना चाहेंगे। सो आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने घर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।